फैमिलीज वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस पर्टिकुलर चैनल पर, जहां पर लेकर आती हूं मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से जान सके कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है, यानी कि किस प्रोडक्ट को परचेज करके यूज करके आप अपनी स्किन और हेयर को बेटर बना सकते हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक फेस क्रीम। नॉर्मली अपनी रूटीन में यूज करना है जस्ट टू मेक योर स्किन बेटर। तो आपकी स्किन को अगर कोई भी चीज़ की कमी नजर आ रही है, यानी कि ग्लो, वेदर यू आर हैविंग स्पॉट्स, एजिंग प्रॉब्लम्स और समथिंग लाइक दैट, और डलनेस ऑन योर स्किन, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये आज की जो हमारी क्रीम है, दिस इज फ्रॉम चार्मिस ब्रांड। अब ये जो ब्रांड है, बात करें इस पर्टिकुलर ब्रांड की, तो व्हेन आई वाज इन माय टीन एज तब हम लोगों ने इस क्रीम को यूज़ किया था एज अ कोल्ड क्रीम, और मुझे सिर्फ यही एक क्रीम याद है जो हमने एज अ कोल्ड क्रीम याद की थी, मतलब फर्स्ट कोल्ड क्रीम आप कह सकते हैं। आफ्टर दैट वी शिफ्टेड टू पॉन्ड्स, बट फर्स्ट अगर कोल्ड क्रीम की बात करें कि मैंने कौन सी यूज़ की थी, तो इट वॉज फ्रॉम चार्मिस। उसके बाद आई डोंट नो कि वेदर दिस प्रोडक्ट वॉज इन मार्केट, हमने ही यूज़ नहीं किया या जो भी था, बट नाउ दिस इज बैक विद द बैंक। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आजकल के सबसे नीडेड आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, और सभी इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि हाउ मच दीज इंग्रेडिएंट्स आर बेनिफिशियल फॉर अस, यानी कि जैसे कि विटामिन ए हो गया, सी हो गया एंड ई। दिस पर्टिकुलर क्रीम इज हैविंग ऑल द थ्री मेजर विटामिंस जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो आप पहले आउटर पैकेजिंग देख लीजिए जो कि ब्यूटीफुल वाइट एंड पिंक कलर में आपको मिलता है। इस पर्टिकुलर क्रीम का जो प्राइस है, इस पर्टिकुलर पैक का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसका प्राइस है ₹80, और क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाएगी 58 ml की। कमिंग टू द ऑरिजिनल प्रोडक्ट, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। तो ये है हमारा ऑरिजिनल टब जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है। ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर का टब है जो कि प्लास्टिक का है। यहाँ पे चार्मिस लिखा गया है ब्रांड नेम, और डीप नरिशिंग कोल्ड क्रीम विद विटामिन ए, सी एंड ई। अब विटामिन ए की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप या फिर डिले एजिंग साइंस, यानी कि अगर आपकी स्किन पे एजिंग साइंस हैं या फिर आ रहे हैं, और यू आर इन अ एज जहां पर आपको एजिंग की प्रॉब्लम ऑब्वियसली फेस करने है, तो आप ऐसी क्रीम्स के लिए जा सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट विटामिन जो कि है सी, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइटनिंग, फेडिंग ऑफ डार्क स्पॉट्स, आपकी स्किन को क्लियर बनाने में हेल्प करता है। एंड एट द लास्ट विटामिन ई जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, मॉइस्चराइजेशन टू योर स्किन। तो ये जो तीनों विटामिंस हैं, ये तीनों मिलकर आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसमें जो भी विटामिंस आपको प्रेजेंट मिलेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स में मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों विटामिंस आपको एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मिले, बट इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू आर गेटिंग ऑल द थ्री विटामिंस विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। तो इस तरीके की आउटर पैकेजिंग जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, आप आते हैं एक्चुअल क्रीम पर। तो जो इसकी क्रीम है वो आप देख सकते हैं, आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि बस खत्म होने वाली है ये। तो इसका जो कलर है, इसका कलर कम्प्लीटली वाइट कलर की एक क्रीम है, एंड टॉकिंग अबाउट इट्स टेक्सचर, तो क्लियरली बता दूं दिस इज़ अ थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अगर तो आप ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन वाले हैं, तो डेफिनेटली आप चाहे समर्स है विंटर्स है पसंद करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्रीम को, क्योंकि आपको जो प्रॉपर नरिशमेंट आपको चाहिए होती है वो ये आपको प्रोवाइड करने वाली है। फ्रेग्रेंस की बात करें तो अगर आपने कभी पुरानी चार्मिस क्रीम यूज़ की है, तो अगर मैं रिलेट सही कर पा रही हूँ तो इट्स जस्ट लाइक दैट। मुझे जहाँ तक याद है कि ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस वैसी ही है, फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल भी अलग नहीं है जब पहले ये लॉन्च थी, मतलब जब हमने पहले यूज़ किया था इसको, तो इसकी फ्रेग्रेंस आई डोंट थिंक इट्स चेंज्ड। तो फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है, वैसी ही फील होती है अभी भी। जो ऑयली और कॉम्बिनेशन वाले हैं वो भी डेफिनेटली इसको विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई भी स्किन टाइप, इसको डे टाइम पे यूज़ करना कंफर्टेबल नहीं आपको लग रहा कि भाई ये ज़्यादा ग्रीजी लग रही है या ज़्यादा आपको हैवी लग रही है, ज़्यादा थिक लग रही है फॉर योर स्किन, यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर क्रीम एज अ नाइट क्रीम ऑल्सो। नाइट क्रीम आप अगर इसको एज अ नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन की जो रिपेयरिंग है, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, और ज़्यादा जल्दी जो है वो ठीक होती है, क्योंकि जो नाइट टाइम इज़ जस्ट टेकन एज द रिपेयरिंग टाइम फॉर योर स्किन। तो अगर आप इसको एज अ नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो भी बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करेगी आपके स्किन के लिए, क्योंकि आपको नाइट टाइम पे ना तो ज़्यादा स्वेटिंग फील होगा, ना ज़्यादा ग्रीजी, और ना ज़्यादा जो स्टिकीनेस फील होगी, क्योंकि एज अ नाइट क्रीम इट वर्क्स ग्रेट। जितना आपको प्रॉपरली मॉइस्चराइजेशन, नरिशमेंट ऑन योर स्किन चाहिए, ये वो प्रॉपरली देती है। और ड्राई स्किन वाले या वेरी ड्राई स्किन वाले, वो तो डेफिनेटली इसको एज अ डे क्रीम, एज अ नाइट क्रीम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन वाले, वो तो इस क्रीम के लिए हमेशा जा सकते हैं।
12 मंथ्स ऑफ फुल ईयर बिल्कुल ये परफेक्ट क्रीम रहेगी उन सब के लिए. जस्ट यू हैव टू अप्लाई एडिशनल सनस्क्रीन ऑन योर फेस ड्यूरिंग डे टाइम. तो ये एक है, आपको सनस्क्रीन अलग से अप्लाई करना होगा. दैट्स इट, यू कैन यूज इट एज अ डे क्रीम एज अ नाइट क्रीम. तो ये था एक ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रीम. क्योंकि ये जो क्रीम है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि ये क्रीम यूज़ करने के बाद जो फर्स्ट आपको चेंज स्किन में नज़र आने वाला है वो है ग्लो. आपकी स्किन अगर डल आपको फील हो रही है तो दिस इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू अ ड्यूई फिनिश ऑन योर स्किन, अ ग्लोई लुक ऑन योर स्किन. तो अगर आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस पार्टिकुलर क्रीम. बात करें बाकी चीज़ों की तो येस, इट टेक्स टाइम टू शो रिजल्ट ऑन योर स्पॉट्स. इन सब चीज़ों पर, स्पॉट्स वगैरह पे, कोई भी वैसे प्रोडक्ट टाइम लेता है. स्पॉट्स का जाना या फेड होना एक दिन का प्रोसेस या एक हफ्ते का प्रोसेस नहीं, इट टेक्स टाइम. तो इसने भी टाइम लिया है, बट इट टेक्स अ गुड टाइम टू शो रिजल्ट्स, बट इट डज इट्स वर्क. जी हाँ, ये डार्क स्पॉट्स पे भी काम करता है, बट बहुत ही अच्छा खासा टाइम लेकर. यानी कि आपको 15 टू 20 डेज के बाद कुछ डिफरेंस नजर आएगा आपके स्पॉट्स पे. तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंटिन्यूसली. इस प्रोडक्ट की एट द एंड जो मेन मेरे को अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि आप इसको एज अ डे क्रीम एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं. और साथ ही साथ बिल्कुल टोटली पॉकेट फ्रेंडली है, लाइट ऑन द पॉकेट है. इवन टीनेजर्स कैन अफोर्ड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ईजिली. और साथ ही साथ बहुत ही मिराकुलस इंग्रीडियंट्स यूज़ किए गए हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड में टू गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स, ग्रेट बेनिफिट्स. तो अगर आपको ऐसी क्रीम की सर्च में है जो डे क्रीम नाइट क्रीम की तरह काम करे, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो, लाइट ऑन द पॉकेट हो, गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोई एंड बाय बाय.